अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक रिव्यू होने लगी है सनब्लॉक पे। सो हियर इज अ क्विक रिव्यू ऑन बायोडर्मा फोटोडर्मैक्स एसपीएफ 100 सनब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो 800, 900 और 1000 इतनी इसकी प्राइस है। द रीजन आई पिक दिस अप वॉज मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑन माई फेस फ्रॉम सन। अच्छा, इस ब्रांड के बहुत सी सनस्क्रीन मार्केट में आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा किड्स के लिए भी सनस्क्रीन है इनकी। अच्छा, ये क्लेम करते हैं जो इनकी सनस्क्रीन है वो फ्रेग्रेंस फ्री है, विच इज़ ट्रू। नॉन अकमोडोजेनिक है, यानी कि ये पोर्स क्लॉक नहीं करेगी और ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं बनने देगी। आपके एक्सेस ऑयल की प्रोटेक्शन नहीं होगी, हेयर फॉलिकल क्लॉक नहीं होंगे। एंड फॉर ऑल स्किन टाइप ये यूज़ हो सकती है। आपकी स्किन पे ग्रीसी फील नहीं करेगी, आपकी स्किन पे शाइनी सी फील नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, जब ये सनब्लॉक लगाते हैं तो उसके बाद एक मैट सी फिनिश ये आपको देते हैं। बट मैंने नोटिस किया है आई हैव ड्राई स्किन, लेकिन कुछ देर के बाद मेरी स्किन पे भी ऑयल आने लग जाता है। तो मेरे लिहाज से ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा सनब्लॉक नहीं है। हाँ, ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा सनब्लॉक है ये। बात करते हैं नॉन कम्यूटोजेनिक है कि नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसके बाद आपकी स्किन शाइनी सी लगती है, ग्रीसी सी लगती है। तो मेरे ख्याल से ऑयली स्किन वालों के लिए इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। बाकी क्लेम करते हैं कि पिगमेंटेशन जो है उसको ख़त्म करता है सनब्लॉक। तो जी हाँ, ये पिगमेंटेशन जो है उसको काफ़ी हद तक ख़त्म करेगा। दिस इज़ आल्सो गुड फॉर मलाजमा एंड डार्क स्पॉट। इट कैन आल्सो ब्राइटन अप योर स्किन। ये वाटर रेजिस्टेंट है, आप इसको लगा के स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर सकते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी आराम से कर सकते हैं। और काफ़ी हाई एसपीएफ का 100, काफ़ी देर आपको सन प्रोटेक्शन ये देगी। तो अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो दिस इज़ अ वेरी गुड सनस्क्रीन टू गेट मैक्सिमम सन प्रोटेक्शन। बायोडर्मा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स बिकॉज ये डर्माटोलॉजिस्ट से अटेस्टेड है। उसके अलावा पैराबिन फ्री है और ट्रस्टेड जो है वो ब्रांड है। अच्छा, इसमें आपको ना डिफरेंट एसपीएफ मिल जाएंगे। एसपीएफ 30 भी है, एसपीएफ 50 भी है, 60 भी है, 100 भी है। इस सनस्क्रीन का जो है क्रीमी सा टेक्सचर है, ये बड़ा क्रीमी सा आपको टेक्सचर देती है एंड अ लिटिल बिट गोज अ लॉन्ग वे। मुझे सनस्क्रीन इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि पाकिस्तान में समर्स में आपको पता है किस तरह का वेदर होता है, काफ़ी हॉट वेदर होता है, तो ये आपको बहुत अच्छा सन प्रोटेक्शन देगा। अगर आप कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है या कहीं पर भी घर से बाहर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो ये बहुत ही अच्छा सन ब्लॉक है आपके लिए। हाँ, लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मेरे ख्याल से इतना अच्छा सन ब्लॉक नहीं है क्योंकि इसका एसपीएफ भी बहुत हाई है और आई थिंक मुझे नहीं लगता सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये अच्छा सन ब्लॉक है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, स्किन में लगाने के बाद ये आपको मैट सा लुक देती है, लेकिन उसके कुछ देर बाद आपको ऑयली फील होता है। सो इट्स टेक्सचर इज़ क्वाइट ऑयली। सो इफ़ यू डोंट लाइक अननेचुरल ग्रीसी शाइन तो भी शायद ये सन ब्लॉक आपके लिए नहीं है। बट आई रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट एज एन एक्सीलेंट सनस्क्रीन ऑन बीच और इफ यू हैव एक्सेस सन एक्सपोजर। सो दिस इज द रिव्यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, खुदा हाफिज़।